इस समय मैं आया हूँ सारनाथ, सारनाथ के बगल में मेला। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है। बिना किसी हाय और बिना किसी बाय के साथ शुरू करते हैं अपना एक और बेहतरीन ब्लॉग। इस समय मैं आया हूँ सारनाथ, सारनाथ के बगल में मेला लगा हुआ है, तो मैंने सोचा मेले को पूरा कवर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप बहुत सारे झूले आपको दिखाऊंगा, और आपको भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी भीड़ है वो भी दिखाऊंगा, और आगे आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे झूले लगे हुए हैं। यहाँ पे बारिश भी हुई थी तो यहाँ का थोड़ा सा जमीन गीला हो गया है, और आपको यहाँ की भीड़ दिखाऊंगा, और यहाँ पे आपको यहाँ का मार्केट दिखाऊंगा इस मेले का। तो आइए आपको लेके चलते हैं मेले की तरफ। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये मार्केट है मेला का। यहाँ पे पीछे देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है इस मार्केट में, और मेरे इस साइड पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। तो आइए आपको दिखाते हैं मार्केट का कोना कोना। तो ऐसे मार्केट में केवल ऐसा लगता है कि बस लड़कियों का ही सामान मिलता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कान वान में का लड़कियों का मिल रहा है, और यहाँ पे जूती उती भी बस लड़कियों के लिए ही मिल रही है। तो ऐसे मार्केटों में ऐसा लगता है कि बस लड़कियाँ ही खरीदती हैं, लड़के नहीं खरीदते हैं, क्योंकि क्या पता लड़कियों को सस्ता मिल जाता होगा, ऐसे लड़कियाँ बस खरीदती हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कफ वफ मिल रहा है, और आगे यहाँ पर देख सकते हैं झूमर वूमर भी यहाँ पर मिल रहा है। तो पीछे देख सकते हैं झूला कितना अच्छा चल रहा है, और इधर झूमर भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बस लड़कियों का सामान मिल रहा है, की चेन विचेन, अगर ये लड़के भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू राजधानी अचार और पौष्टिक मुरब्बा यहाँ से आप ले सकते हैं, ये पूरा घर का हाथ से बनाया हुआ रहता है। और यहाँ पे ये कफ वफ भी आप यहाँ से ले सकते हैं, तो देख सकते हैं कितना अच्छे अच्छे कफ हैं। और आगे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे घर का सामान भी यहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए इस मेले में भीड़ तो है, क्योंकि अगर हम दिन में आए थे तो कम भीड़ है। देख सकते हैं गाइस हम आगे जा रहे हैं मेला की तरफ। तो यहाँ से हम अंदर चलेंगे, इधर ये पूरा झूला वाला एरिया है, यहाँ पे बस झूला ही झूला है। आप पूरा ज़मीन देख सकते हैं कितना पूरा पानी पानी हो गया है, क्योंकि बारिश हुई थी। और इधर देख सकते हैं ये पूरा झूला का पोर्शन है, पूरा ये झूला का ही एरिया है। तो अंदर चलते हैं हम और आपको दिखाते हैं, देखिए कैसे पूरा यहाँ पर हिल्ला हिल्ला हो गया है। और ये झूला देखिए, यहाँ पर लोग इन्जॉय कर रहे हैं बैठ के, हम भी बैठने का कोशिश किए, पर यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं था तो हमारे पास कैश नहीं था, तो हम पे नहीं बैठ पाए, बैठे होते तो और भी अच्छा सा ब्लॉग बनता। तो ये देखिए पूरा पानी है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए खाने पीने का भी सामान, मौसम देख सकते हैं कितना सुहाना मौसम है आज। तो यहाँ पे आप इस झूले को देख सकते हैं, ये राउंड राउंड करके पूरा ऊपर तक जाएगा, और यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा इसके ऊपर से। तो यहाँ देखिए ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है ऊपर जाते हुए। तो इस झूले पर आप आके बैठिए और यहाँ का आनंद लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बलून शूटिंग गेम है। तो यहाँ से अब हम लोग बाहर चलेंगे और आपको और भी बहुत कुछ दिखाएंगे। ये रहा ये मेले का एग्ज़िट गेट, यहाँ से आप एंट्री और एग्ज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये जो मेरे पीछे गेट देख रहे हैं, ये जो मेरे पीछे गेट है, इसके अंदर इस पूरे इंडिया की, इस पूरे भारत की सबसे बड़ी आपको यहाँ पे बुद्ध प्रतिमा देखने को मिलेगी, सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा। तो आइए आपको ले कर चलते हैं इस गेट के अंदर और दिखाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरे भारत की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा है, तो इसकी ऊंचाई लगभग 80 फीट है। इस मूर्ति को बनाने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, जो कि चुनार के थे, और उनका नाम था देव नारायण पुजारी, जिन्होंने इस प्रतिमा को बनाया, इस प्रसिद्ध प्रतिमा को। ये आपको उस प्रतिमा को दिखाते हैं, उस प्रसिद्ध प्रतिमा को, आइए आपको लेके चलते हैं आगे और आप उस प्रतिमा को दिखाते हैं। कितना बेहतरीन प्यारा कमल की ये कली है, और कितनी खूबसूरत लग रही है, अगर ये खिलेगी तो और कितनी खूबसूरत लगेगी। तो सरोवर है ये, गौतम बुद्ध का सरोवर है, यहाँ पे देख सकते हैं सरोवर का नाम है महामाया देवी सरोवर नाम है। तो आपको दिखाते हैं पास, यहाँ पे कमल के फूल खिले हुए हैं पूरे अच्छी तरह से, और कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, ये कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, ये देखिए। और ये रही कमल के फूल की कली, देख सकते हैं पूरा कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, आपको आगे लेके चलते हैं। ये हैं देवी माँ, तो ये रहा ये मूर्ति का पूरा प्रांगण है, देख सकते हैं पूरा कितना सुंदर लग रहा है। और ये रही मूर्ति, ये रही वो प्रतिमा जिसके लिए यहाँ पे हम आए हुए हैं, आप देख सकते हैं गाइस कितना ये ऊंचा है और कितना सुंदर लग रहा है,
इतना ही बड़ा है ये, यहाँ पे अंदर जाना मना है, तो हम लोग बाहर से ही आपको ये दिखा रहे हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस ये रही वो मूर्ति, ये देख सकते हैं ये मूर्ति रही, ये रही, देख सकते हैं इस प्रतिमा को, और ये कितनी खूबसूरत लग रही है आप ये भी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ पास से आकर इसको देखिए और भी आपको ये खूबसूरत लगेगी। तो फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गौतम बुद्ध की छोटा सा मंदिर यहाँ पे है, जस्ट इसके बगल में ही, इस प्रतिमा के बगल में ही जस्ट गौतम बुद्ध का एक छोटा सा भी मंदिर था। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं इस मंदिर के अंदर गौतम बुद्ध की प्यारी सी प्रतिमा लगी हुई है और बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं, आपको अंदर लेके चलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितनी प्यारी प्रतिमा यहाँ पे गौतम बुद्ध की लगी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पे गौतम बुद्ध की प्रतिमा। आइए इस मंदिर के बाहर चलते हैं हम, और यहाँ पे ये देख सकते हैं इस पूरे जगह का नज़ारा, पूरी हरियाली भरी हुई है यहाँ पे और कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइस यहीं पे हम लोग इस ब्लॉग को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लॉग ख़त्म हो जाता है। और ये सारनाथ का तीसरा ब्लॉग है, ये तीसरा पार्ट है सारनाथ वाला, तो हम लोग इसको भी ख़त्म करते हैं अब यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोगों ने सारनाथ को पूरा कवर कर लिया है। तो अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय।